हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेस की बात करते हैं हम, जो कि है डेली रेस। डेट है 22 2024। टोटल 6 रेस का कार्ड है डेली का, एंड ऑफ कोर्स शॉर्ट रेस कार्ड गड़बड़ रेस रहते। तो पूरी रेस मत कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे पूरे दिन में एक या दो घोड़े जो आपको प्रॉफिट करा सके वही रेस कीजिए। तो बात करते हैं हम डेली का फर्स्ट रेस का, द गुड डिसीशन प्लेट क्लास 5 1600 मीटर। सो डेली का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज अ 3 नंबर हॉर्स डिगंबर। ओके, 3 नंबर हॉर्स डिगंबर, जॉकी है राजेंद्र सैनी। इसका लास्ट 3 रन्स देखे जाए तो सही है, क्योंकि थर्ड 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 सेकेंड हो चुका है यहाँ पे देखे। स्लो आउट होने के बावजूद मतलब स्लो आउट होने के बावजूद भी बोर्ड पे आ रहा है, तो अच्छा घोड़ा है बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे से रह के फिर भी बोर्ड पे आ रहा, तो एक फॉर्म दिखा रहा है घोड़ा। ऑफकोर्स थोड़ा वेट कैरी करके जा रहा है, तो यहाँ पे देखे सेम राइडर है राजेंद्र सैनी के हाथों भी चलते आया अभी तक से, और फिर से वही राइडर है, तो कोई डाउटफुल नहीं है। एंड लास्ट टाइम देखिए स्टार्ट अच्छा लिया था उस, तो सेकंड होगा, नहीं तो उससे पहले स्लो आउट होने के बावजूद भी थर्ड थर्ड हो रहा था। वैसे यहाँ पे मुझे इसे एक ही घोड़ा पसंद है, जो कि 10 टैलेंटिंग स्टार जैसे घोड़े को थर्ड हो चुका है, और लास्ट टाइम उसके बाद सेकेंड हो चुका है वो भी 3 के भाव में, तो एक बेटर परफॉर्मेंस दे चुका है डिगंबर लास्ट टाइम, तो वही परफॉर्मेंस और फॉर्म है तो आने चाहिए बोर्ड पर ईजिली। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, दिल्ली का फर्स्ट रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस होगा, डेट विल बी अ 4 नंबर हॉर्स बर्निंग डिजायर, जॉकी है कुंदन पासवान। लास्ट 2 रन सही है, बट यहाँ पे देखिए बहुत ही लंबा भाव में था 10-10 के, वहाँ पे उसका मतलब कुछ चांसेस नहीं था, फिर भी बोर्ड पे आ रहा था घोड़ा, तो वेट तो कैरी करके जा रहा है। और लास्ट टाइम अच्छा ही जॉकी था, अभी भी अच्छा जॉकी है कुंदन पासवान, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट लेने में, तो यहाँ पे देखिए स्लो स्टार्ट लेके भी बावजूद ये घोड़ा पोड पे आ रहा है, तो एक है घोड़े में कुछ। तो वैसे फीड भी अच्छा देखा है, जैसे वेदा गरबा हो गया, रॉयल बेबी, तो ये दो घोड़े को बोल सकता हूँ कि बेटर परफॉर्मेंस दे चुका है वो डिजायर, तो इजिली बोर्ड पर आना चाहिए। तो फिर भी ओपन कार्ड है मेरे हिसाब से, फर्स्ट रेस में 3 और 4 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं अब अभी डेली का सेकंड रेस का, तो नो बड़ी नो स्प्लिट क्लास 4 1400 मीटर। सो डेली का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज़ अ 2 नंबर हॉर्स सिनोर, जॉकी आकाश राजपूत। जस्ट बिकॉज यहाँ पे देखिए क्लास 4 की रेस है, एंड जो आकाश राजपूत का जो घोड़ा है सिनोर, एक्चुअली क्लास लास्ट टाइम क्लास 3 में थर्ड हो चुका है, वो भी एज अ फेवरेट रेक के 60 पैसे में, वो भी डिफरेंट हैंडलिंग के बावजूद, तो अभी थोड़ा वेट तो कैरी करके जाएगा। लास्ट टाइम अच्छा ही राइडर था फॉर्म जॉकी, जो कि मोहित सिंह चल रहे थे, अभी वहाँ के आकाश राजपूत जो कि दिल्ली का जॉकी उसको बिठाए, तो अच्छा ही राइडर है। लास्ट टाइम स्टार्ट भी बढ़िया लिया था, और देखिए वहाँ पे फील्ड टाइट था, आशा मारे जैसा घोड़ा था वहाँ पे, फिर भी ये 60 पैसे में पिट चुका है, थर्ड हो चुका है आशा मारे को, तो अच्छा घोड़ा है। आशा यशोधरा जैसे घोड़े को भी भाग चुका है, तो एक बैटरी घोड़ा है सिनोर, तो इजीली बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं हम उसी रेस का सेकेंड रेस का, जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 9 नंबर हॉर्स अश्व हैदर, जॉकी है फैजन खान। ओके, जस्ट इसका लास्ट रन इसी मैं बोल सकता हूँ अच्छा है, जो कि सेकेंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एज अ फेवरेट रखे इंटरफेयर इसको पिटवा दिए, थोड़ा भाव मिला जैसा, थोड़ा ट्राई करिए इन लोग ने, तो सेकंड हो चुका है, तो ये लोग भाव के लिए देख रहे हैं आई थिंक सो, क्योंकि प्लस पॉइंट यहाँ पे देखिए 52 पॉइंट वेट, जो कि बहुत ही लो वेट कैरी करके जा रहा है -2.11 से, और यहाँ पे देखिए हमेशा स्टील पे भागते आया घोड़ा, और जैसे एल्यूमिनियम हुआ थोड़ा परफॉर्मेंस दे चुका है, लास्ट स्टार्ट ही बढ़िया लिया था। ऑफकोर्स भुजंग थोड़ा फॉर्म दिखाया घोड़ा ही नहीं, उसको सेकेंड हो चुका है। इमॉर्टल शेरा एबिंगटन शमशेरा थोड़ा बेटर फील्ड भी देखा है आशु हैदर, आई होप अभी थोड़ा इजी पढ़ना चाहिए, फिर भी डाउटफुल रहेगा, तो मेरे सबसे सेकेंड रेस में भी 2 और 9 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी
दिल्ली का थर्ड रेस का 10 मुहूर्त ऑपरेशन प्ले डिवीजन 1 क्लास 2 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ द 1 नंबर हॉर्स अश्व यशोधरा, जॉकी है VR कुमार। ओके लास्ट टाइम विनर है, उससे पहले भी विनर है पर लास्ट टाइम जो कि 3 के भाव में अच्छा विनर है। ओके यहाँ पे देखिए वो भी 7 लेंथ से जीत चुका है घोड़ा, अपस थोड़ा 1 किलो वेट लेके जा रहा है और सेम ही राइडर है, स्टार्ट भी बढ़िया लेता है घोड़ा। ओके एंड एटनबर ऑफ वो फिट गया सबसे ठीक ठाक है, उधर विन मार चुका है बट उससे पहले विंसेंट वैंगकॉक जैसे घोड़े को भी भाग चुका है गोल्डन ग्लो। एंड एक्चुअली देखे तो मुझे लगता है ये बॉम्बे पुणे का घोड़ा है, यस बॉम्बे का घोड़ा है ये, यहाँ पे नोट कीजिए तो इजी पढ़ना चाहिए। वैसे इसने डेली ट्रैक में 7 लेंथ दिखा दिया है। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, थर्ड रेस का, जो हमारे जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 3 नंबर हॉर्स डेविट, जॉकी है कुंदन पासवान। ओके लास्ट रन उसका इतना मतलब ये घोड़ा बहुत ही अच्छा है, कुछ फॉर्म खो दिया था बट उसके बावजूद लास्ट टाइम उसने रन अच्छा दिखाया था, वो भी 5 के भाव में थोड़ा फॉर्म दिखा रहा है घोड़ा। तो अभी बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वेट भी देखे कुछ ज़्यादा था लास्ट टाइम, अभी थोड़ा वेट कम कैरी करके जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट टाइम अच्छा ही राइडर था मोहित सिंह, अभी कुंदन पासवान ने जो कि वो भी अच्छा राइडर है, यहाँ पे स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखा अश्व राउड़ी को भाग चुका है, लास्ट टाइम थर्ड हो चुका है एक्यूबिलेट को, 5वां शेरशाह। ओके तो बैटरी फिर देखा है डेविट एक अच्छा ही घोड़ा है तो फॉर्म दिखा रहा है, बोर्ड तो आना चाहिए प्लेसिंग के लिए, तो इसलिए थर्ड रेस में 1 एंड 3 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी दिल्ली का फोर्थ रेस का, 10 मुहूर्त ऑपरेशन प्ले डिवीजन 2 क्लास 2 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 7 नंबर हॉर्स, ओके ओराली जॉकी है धनु सिंह देवरा। इसका हमेशा रन देगी बोर्ड पे, रन अच्छे बोर्ड पे हमेशा, और भाव भी लास्ट टाइम टू दो टाइम भाव अच्छा था उसका इवन और 4 के भाव में, तो बेटर चांस था लास्ट टाइम, तो फिर भी बोर्ड पे उड़ा, ऑफकोर्स थोड़ा वेट कैरी करके जा रहा है, सेम राइडर है, लास्ट टाइम स्टार्ट भी अच्छा लिया था अश्वरौड़ी, वहाँ पे फील्ड टाइट था, वहाँ पे उसको सेकंड हो चुका अश्वर यशोधरा को 3rd, देन अश्वरौड़ी को 4th, मिस्टर क्रॉसफर, तो टाइट फील्ड देखा है ओवरली तो इजी पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का, दिल्ली का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स मास्टर स्टाउट, जॉकी इरफान खान। ओके जस्ट इसका लास्ट रन तो इग्नोर कीजिए, इंक्वायरी ओपन हुआ है, 3.5 के भाव में पिट चुका है घोड़ा बट उससे पहले 4th था। एंड पता नहीं इंक्वायरी ओपन में ज़्यादा से घोड़े तो नहीं जाते बट यहाँ पे एक चांस पर वो तो ठीक ठाक दिख रहा है आने का घोड़ा बोर्ड पे, तो देखें क्या होता है। वैसे तो वेट तो पिछले के हिसाब से 1 किलो ज़्यादा लेके जा रहा है NS राठौड़ था, बड़ा भी इरफान खान को पिटाए। देखिए यहाँ पे उससे पहले स्टार्ट अच्छा लिया था पर लास्ट टाइम स्टार्ट बहुत ही ख़राब लिया था, तो आई थिंक हटुक से कुछ तो करे लोग घोड़े को पीछे रखवा दिए, ऐसा अश्वर राउड़ी उसी फील्ड में 5वां चुका है प्रॉपरली पॉश शेरशाह एटनबरो, तो अच्छा फील्ड भी देखा है तो आई थिंक बोर्ड पे तो आना चाहिए, फिर भी हो सके तो 4th रेस में 6 और 7 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी दिल्ली का 5th रेस का, द DRC रेसिंग ऑफिशियल कप क्लास 3 1200 मीटर। सो दिल्ली का 5th रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स नीस्टॉम, जॉकी है फैजान खान। ओके या एक्चुअली देखिए ये क्लास 3 की रेस है एंड जो कि फैजान खान का घोड़ा है जो कि नीस्टॉम लास्ट टाइम 6वां हो चुका है बट यहाँ पे देखिए सेकेंड क्लास में भागते आ रहा है घोड़ा, वो भी अच्छे भाव में 5-5 के भाव में 6वां 6वां हो चुका है, लास्ट टाइम वेट था 54, अभी इससे 60 लेके जा रहे तो वेट कैरी करके जा रहा है। लास्ट टाइम विवेक जी अच्छा ही राइडर था, अभी फैजान खान ने थोड़ा फॉर्म दिखा रहा है जॉकी जस्ट ट्राई कर रहा है एंड स्टार्ट लेने में प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स अगर स्टार्ट इस वक्त अच्छा लेगा तो बहुत बेटर चांस बोल सकते हैं। तो अश्वर राउड़ी को देखा है प्रॉपरली पॉश को भागा है, शेरशाह को अक्यूबेलेट 12 को मार चुका है बहुत पहले, तो लिस्ट ऑफ अच्छा ही घोड़ा है, जस्ट अभी थोड़ा आई थिंक ओपन कार्ड है तो उसी का एक बेनिफिट उठा सकते हैं लिस्ट ऑफ। तो बात करते हैं अब उसी रेस का, 5th रेस का जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा
डेट विल बी अ 8 नंबर हॉर्स, 1 मिनट, 8 नंबर हॉर्स भुजंग जॉकी है बी आर कुमार। इसका रन्स फ्यू देखे तो अच्छा है, फोर्थ थर्ड और 2 टाइम विनर है। आई थिंक एट्रिक लेके भी जा सकता है, लास्ट टाइम स्लो आउट होने के बावजूद भी 2.25 लेंथ से जीत चुका है घोड़ा। लास्ट टाइम वेट था 54.5, तो वेट भी कम कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्टील पे भागते आया जैसा एल्यूमिनियम पे हुआ, और स्लो आउट होने के बावजूद भी विन मार चुका है। लास्ट टाइम अच्छा ही राइडर था, और वी आर कुमार वेल जबरदस्त फॉर्म दिखा रहे जॉकी, उसको बिठाए। स्टार्ट भी ठीक ठाक लेता है घोड़ा, इतना खास तो फील्ड ने देखा है, बट बहुत पहले जैसे ब्लैक हिल आशा मार्या को भाग चुका है घोड़ा, उसके बाद उसने परफॉर्मेंस दे चुका है जैसे कि बोर्ड पे आ रहा है, तो इजिली बोर्ड पे आना चाहिए मेरे हिसाब से फिर से। तो फिफ्थ रेस में 3 और 8 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम दिल्ली का 6th एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द स्वीट रिलेशन प्लेट क्लास 5 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का 6th रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स सुपर सॉन्ग, जॉकी है बी आर कुमार। 3 ही रन हो चुका है, 2 टाइम आउट भाग चुका है, बट लास्ट टाइम देखिए 6 के भाव में थर्ड हो चुका है, वो भी हैंगिंग आउट, मतलब बहुत ही इनडिफरेंट हैंडलिंग हो गया था, बहुत ही बाहर गया था घोड़ा, उसके बावजूद ये घोड़ा थर्ड हो रहा है। आई होप अभी गए टाइम का जैसा गलती ना करेंगे तो और इजी पड़ जाएंगे सुपर सॉन्ग को। वैसे तो वेट कैरी करके जा रहा है, लास्ट टाइम वरुण था, अभी बी आर कुमार है, अच्छा ही राइडर है, स्टार्ट भी बढ़िया लेता है घोड़ा। अश्वा हर पी आई नो ठीक ठाक है, बट रोजन प्लैनेट एक पास घोड़ा है, ये मॉडल गैस को दो तो थोड़ा ठीक ठाक फील देखा है, थोड़ा इजी पढ़ना चाहिए मेरे से बोर्ड पे आने के लिए। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, 6th रेस का हमारे जो सेकंड चॉइस होगा, दैट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स से जेनरेस जॉके अर्जुन। इसका भी फ्यू 2 रन इग्नोर कीजिए, बट उससे पहले थर्ड हो चुका है, पर लास्ट टाइम देखिए 6 के भाव में अच्छा भाव था, पर 5 हो चुका है। वेट थोड़ा कैरी करके, नहीं सॉरी वेट तो सेम है, ओके उसका एक बेनिफिट है -1.5 किलो अलाउंस से। अच्छा ही राइडर था आकाश राजपूत, अभी अर्जुन को बिठाए, अच्छा ही राइडर अर्जुन भी, स्टार्ट भी अच्छा लिया था। वेद अग्रवाल उस फील्ड में जो क्लास 5 के फील्ड में वेद अग्रवाल एक अच्छा घोड़ा है, उसको 5th हो चुका है। रोजोन प्लैनेट को भी अच्छा भाग चुका है, डॉटसन नॉटी को भाग चुका है, रॉयल बेबी, तो बेटर फील्ड देखा है घोड़े ने स्विजनरेस से फील्ड के सबसे, तो आ जा रहा इजिली। तो 6th रेस में भी 1 और 6 में भी आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो ये रहा हमारा टोटल डेली रेस का 6 रेस का टिप्स एंड सेलेक्शंस। आई होप कार्ड तो वैसे तो मुझे ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट शॉर्ट रेस कार्ड है तो हमेशा गड़बड़ ही करते हैं, तो इसलिए वो समझ के चांस दीजिए, पूरी रेस मत कीजिए। जो भी आपको बेस्ट लगे पूरे दिन में एक या दो घोड़े जो आपके प्रॉफिट करा सके वही रेस कीजिए, और ज़्यादातर प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। सो बेस्ट एंड गुड लक फॉर द डेली रेस, तब तक अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।